तो भाई ये गाड़ी जो आपने दिखाई है, ये मॉडल कौन सा है? 2014। 2014 मॉडल है गाड़ी ये। चली कितनी है लगभग ये? चलिए 85 85 चली है, 85,000 किलोमीटर ये चली है। और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKOMS। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं जैसा कि आपने देखा, और यहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहां पे ये देखिए महिंद्रा XUV खड़ी है, उसके अलावा ये पोलो खड़ी है और भी गाड़ियां हैं यहां पे। कम से कम रेंज से ज़्यादा रेंज वाली इनोवा मिल जाएगी आपको, उसके अलावा यहाँ पर वरना मिल जाएगी, बुलेनो मिल जाएगी, यानी कि काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं बुलेनो खड़ी हुई है। तो अभी इन सब गाड़ियों के रेट भी बताएंगे, कितना चली है, क्या है, सारी चीज़ें सारी डिटेल में दूंगा आपको। तो एक बार पहले पूरी जितनी भी गाड़ी हैं सब पे एक बार नज़र मार लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन। तो दोस्तों हमारे साथ हैं कार बाज़ार के ओनर मिस्टर शरीफुल हसन साहब, और आज सर से मैं ये चीज़ पूछूंगा कि आपके पास किस रेंज से किस रेंज तक गाड़ियाँ हैं, यानी कि स्टार्टिंग किस रेंज से आपके पास? स्टार्टिंग हमारे पास 50,000 रुपये से स्टार्टिंग है, करीब 50,000 की रेंज में है, 70,000 की रेंज में है, 90,000 की रेंज में है, 1,25,000 रुपये की, मतलब 50,000, 90,000, 80,000, मतलब इस रेंज में जो गाड़ियाँ हैं, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, हर रेंज में है गाड़ी। उसके अलावा फिर रेंज स्टार्टिंग जो आपने बताया कि मतलब 50,000 से स्टार्टिंग, तो 50,000 में वो कौन सी गाड़ी लगभग? 50,000 रुपए में इनको मारुति जेन भी मिल सकती है और मारुति कार भी मिल सकती है। अच्छा, मारुति 800 भी मिल सकती है और जेन भी मिल सकती है 50,000 में। तो ये सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर सर का मिल जाएगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देर न करते हुए सारी गाड़ियाँ दिखाते हैं और सबकी डिटेल में बताता हूँ कि कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटी गाड़ी में सबसे अच्छी कहे जाने वाली गाड़ी जो है ये अल्टो। ये देखिए बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है गाड़ी, दोनों साइड से आप देखिए बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। और इसका क्या प्राइस है वो मैं भाई से पूछता हूँ। पहले तो ये मॉडल कौन सा है ये बता दीजिए। ये भाई 2010 मॉडल है गाड़ी। अच्छा, ये 2010 मॉडल है, चली कितनी है? प्लस CNG है। अच्छा, ये CNG भी लगी हुई है? CNG भी लगी हुई है, इसमें 45,000 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, ये ओनर क्या है? फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, तो इसका प्राइस आपने क्या रखा है? इसका प्राइस 145। दोस्तों 145 इसका प्राइस रखा है। और गाड़ी के टायर की कंडीशन भी आप देखिए, बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें CNG भी है और पेट्रोल भी है, तो CNG पेपर पे चढ़ी होगी, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। कंप्लीट है बिल्कुल, तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, ये वैगनार खड़ी हुई है और इस वैगनार की कंडीशन पहले तो आप देखिए, ये इस साइड से देखिए, और ये गाड़ी के टायर की भी कंडीशन आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। इस साइड से भी गाड़ी देखिए, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में, साफ़ है। ये कितना चली हुई है भाई? ये अराउंड 75,000 to 80,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। लगभग 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ओनर क्या है इसका? ओनर सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है, तो पेट्रोल पे है ये? पेट्रोल प्लस CNG। CNG ये भी है? हाँ, ये भी तो पेट्रोल प्लस CNG ये भी है। इसका क्या प्राइस है? ये 2,25,000 रुपीज़ की गाड़ी। और मॉडल कौन सा ये? 2012 मॉडल है। 2012, तो 2,25,000 रुपये मांग रहे हैं इसके आप? तो 2,25,000 रुपये मांग रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी गाड़ी दिखा रहे हैं वो सब नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी आप लोग देखिए, इसको इस तरफ से आप देखिए, ये i10 है। गाड़ी की कंडीशन एकदम बेहतरीन है, साफ है। और इस साइड से भी आप देखिए, गाड़ी ठीक है। तो ये सर कौन सा मॉडल है ये वाला?
ये 2011 मॉडल की गाड़ी है, आइटन है, मैग्ना है, ये पेट्रोल है डीजल है? ओनली पेट्रोल है। ये तो इसका मॉडल क्या बताया, 2011 सेकेंड ओनर है? जी ये सेकेंड ओनर है। अच्छा, ये सेकेंड ओनर है, इसका भी प्राइस बता दीजिए क्या है? ये 2 लाख रुपए की गाड़ी है। तो 2 लाख रुपए इसका प्राइस है। बाकी ये चली कितनी है? ये है करीब 65,000-70,000 किलोमीटर, लगभग 70,000-65,000 के आसपास चल चुकी है। उसके बाद फिर आइए देखते हैं हम लोग ये गाड़ी। ये भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, साफ कंडीशन में खड़ी हुई है। ये आपकी सेंट्रो, सेंट्रो रिंग है ये 5 मॉडल की गाड़ी है ये। अच्छा, 2005 है ये, लेकिन गाड़ी उस हिसाब से तो काफ़ी मतलब साफ गाड़ी लग रही है। और ओनली पेट्रोल है ये? ओनली पेट्रोल है गाड़ी। पहले आप देखिए दोनों साइड से गाड़ी जो भी यहाँ पर हैं, गाड़ी सारी साफ़ है, अच्छी है, आपको स्क्रैच वगैरह नहीं मिलेंगे गाड़ी में। तो ये कितना चली है सेंट्रो? ये गाड़ी चली है करीब 65,000, लगभग 65,000 चली है। ओनर क्या है इसका? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो 2005 फर्स्ट ओनर ये गाड़ी। गाड़ी कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन है। प्राइस भी इसका भाई बता दीजिए क्या है? ये 1,20,000 रुपये की गाड़ी। 1,20,000 रुपये इसका प्राइस है और नेगोशिएबल है? बिल्कुल नेगोशिएबल। उसके बाद आइए और भी देखते हैं। ये है आपकी बुलेनो। ये बुलेनो है, 2017 मॉडल है गाड़ी। 2017 मॉडल है और ये 19,000 केवल चली है। डीजल है पेट्रोल है? ये पेट्रोल गाड़ी है। पेट्रोल गाड़ी है तो ये केवल 19,000 चली है और पेट्रोल है। अगर इसका गेट खुल जाता तो मैं थोड़ा अंदर से भी दिखा देता हूँ। आइए इसको अंदर से एक बार देख लेते हैं। तो इंटीरियर भी इसका देखिए, गाड़ी बिल्कुल न्यू है एकदम। और ये 17 मॉडल है, वो फर्स्ट ओनर है ये। और इसका जो प्राइस रखा है वो 5.5 लाख रुपए रखा है। तो भाई अगर बात करें नई गाड़ी ये आप 5.5 लाख रुपए इसके डिमांड कर रहे हैं, अगर बात करें नई शोरूम से ये कितने की पड़ रही है लगभग? नई गाड़ी जो है वो 8+ की है। 8+ की है, लगभग 8.25 लाख रुपए की। तो सही है, गाड़ी बिल्कुल न्यू है, 16,000 चली है। अगर कोई लेना चाह रहा है, 19,000 चली है, हाँ 19,000 चली है। तो 17 मॉडल है, बिल्कुल न्यू है गाड़ी। उसके बाद फिर ये गाड़ी खड़ी है, ये आप देखिए i20 है, ये 2011 मॉडल है। इसको एक बार पहले देखिए आप साइड से, गाड़ी बिल्कुल साफ है ये भी। और उस तरफ से भी मैं दिखाता हूँ, गाड़ी कंडीशन अच्छी है। ये डीजल है पेट्रोल है? ये पेट्रोल है। चली कितनी है? ये चली है करीब 55,000, लगभग 55,000 किलोमीटर। और प्राइस क्या है इसका, ओनर क्या है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 275। फर्स्ट ओनर है और 275 इसकी डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल हो जाएगा जो भी है। तो गाड़ी बढ़िया है। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ये खड़ी हुई है आर्टिका गाड़ी। पहले आप देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, इसको आगे से दिखा देते हैं। चाबी अगर इसको खुलवा दीजिए, अंदर से भी दिखा देते हैं। तो ये गाड़ी आप देखिए बिल्कुल बहतरीन कंडीशन में है, UP 32 नंबर है। इस साइड से भी देखिए बिल्कुल साफ़ है गाड़ी। टायर की बात करें तो टायर भी आप देखिए। और आइए इसको अंदर से एक बार देख लेते हैं। मॉडल कौन सा है भाई? ये 2014 मॉडल है। एक बार इसको अंदर से देखते हैं। तो ये गाड़ी अंदर से भी आप देखिए बिल्कुल साफ़ है गाड़ी, एकदम न्यू कंडीशन है। इंटीरियर्स का आप देखिए, और पीछे से भी देखिए गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। तो ये टॉप सेकंड है भाई? हाँ ये सेकंड टॉप है। तो ये इसका वो बता दिए कितना चली है? ये चली है करीब 72,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। 72,000 किलोमीटर चली है गाड़ी ये। और ओनर? फर्स्ट ओनर है। प्राइस का क्या आपने रखा है? प्राइस नेगोशिएबल है, 6 लाख। 6 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं आप। 2014 मॉडल भाई, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद आइए देखते हैं डिज़ायर। तो ये खड़ी हुई डिज़ायर ZDI, आप देखिए गाड़ी बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में है। और टायर की बात अगर करें तो टायर भी ये देखिए आप इस कंडीशन में है, स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी में। और पूछते हैं कौन सा मॉडल है ये कौन सा मॉडल है भाई? ये 2012 मॉडल है और चली कितनी है?
चली है करीब 85,000 किलोमीटर ऐसे ही चली है। 85,000 किलोमीटर। और प्राइस क्या रखा है इसका आपने? 425, 4,25,000 रुपये। तो ओनर फर्स्ट है ये? फर्स्ट ओनर है और प्राइस नेगोशिएबल है। प्राइस नेगोशिएबल है। तो दोस्तों प्राइस भी कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं। फिर आप ये देखिए गाड़ी, ये भी बहुत बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। 2011 मॉडल हुंडई i10। गाड़ी कंडीशन बढ़िया है। और ये कितनी चली है भाई? ये चली है 85,000 किलोमीटर। 85,000 किलोमीटर लगभग ये चल चुकी है। और ओनर फर्स्ट है? सेकेंड ओनर है। तो सेकेंड ओनर है। और प्राइस क्या रखा है इसका आप? प्राइस 185, 1,85,000 रुपये इसका प्राइस रखा है। बाकी नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं ये गाड़ी खड़ी है। एलेंट्रा है ये, हुंडई एलेंट्रा खड़ी है। गाड़ी पहले आप देखिए, बढ़िया कंडीशन में है। ये नोएडा का नंबर है? हाँ, नोएडा का नंबर। ट्रांसफ़र लखनऊ? हाँ, लखनऊ के NOC है हमारे पास। अच्छा, NOC है। तो ये फर्स्ट ओनर है सेकेंड है? फर्स्ट ओनर है गाड़ी। फर्स्ट ओनर है गाड़ी, पहले आप देखिए, बढ़िया कंडीशन में एकदम। पेट्रोल है या डीजल है ये? ये डीजल गाड़ी है। ये डीजल गाड़ी है, डीजल का टॉप वेरियंट है ये। अच्छा, डीजल का टॉप वेरियंट है। ये मैनुअल का है ना, ये ऑटोमेटिक नहीं है? नहीं, ऑटोमेटिक। तो प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस 6,90,000। 6,90,000 डिमांड कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये पानी आ रहा है। और ये कौन सी? वरना हुंडई वरना है, 2012 मॉडल की। 2012 मॉडल गाड़ी, पहले आप देखिए। तो ये ऑटोमेटिक है। ये 4,73,000 रुपये, 4,75,000 रुपये इसकी डिमांड है। प्राइस वो इसका मीटर कितना है? मीटर है करीब 75,000। 75,000 किलोमीटर ये लगभग चली है। तो गाड़ी की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, बढ़िया कंडीशन में है। नेगोशिएबल प्राइस है इसका। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी खड़ी है, आप देखिए, ये कौन सी है? शेवरले स्पार्क 2009 मॉडल है गाड़ी। 2009 मॉडल है ये, फर्स्ट ओनर है गाड़ी। और गाड़ी की कंडीशन बढ़िया है। ये आगे से भी आप देखिए, टायर की कंडीशन ये है। चली कितनी है ये? चली है 90,000। 90,000 किलोमीटर ये चली है। और इसको अंदर से भी देख लेते हैं। तो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये नेगोशिएबल प्राइस है। नेगोशिएबल। पेट्रोल है ये? पेट्रोल। तो इसका पेट्रोल से एवरेज क्या होगा लगभग? पेट्रोल पे माइलेज इसका आएगा कम से कम 17-18 किलोमीटर ही आएगा। 17-18 के आसपास इसका माइलेज है। तो गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी आप देखिए, अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ इसको। तो गाड़ी अंदर से भी आप देखिए, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। अंदर से सीटें वीटें बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। इंटीरियर भी अच्छा है इसका। और ये 1,20,000 रुपये भाई बोल रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है। तो ये फीगो है गाड़ी, देखिए फीगो कितनी बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। 2012 मॉडल है और डीजल है। चली कितनी भाई है? एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं इसको। लगभग 60,000 किलोमीटर ये चली है। और इसका प्राइस जो है वो भी बता दीजिए। 2,40,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल है ये। और गाड़ी चली कितनी है? 68,000 चली है। तो गाड़ी बढ़िया है, अच्छी कंडीशन में। तो एक गाड़ी ये भी खड़ी है, ये आप देखिए। पहले तो इसका साइड से ये देखिए, गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में है। और इस साइड से भी मैं दिखाता हूँ आपको। 2011 मॉडल है, 11 मॉडल है ये। पेट्रोल है? पेट्रोल है, फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है ये। और प्राइस क्या है इसका? 3,50,000 इसका प्राइस है, बाकी नेगोशिएबल है। और उसके बाद फिर दिखाते हैं ये डीजल में है। ये भी होंडा सिटी है गाड़ी, पहले देखिए आप। अच्छा, ये टॉप वाला है, इसमें सनरूफ वगैरह भी है। इसको ज़रा खोलिए, अंदर से भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें सनरूफ वगैरह भी है। और ये टॉप मॉडल है गाड़ी, कंडीशन बढ़िया है एकदम। तो मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। तो अंदर से भी आप देखिए, गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन है। और ये टॉप मॉडल है, ये टॉप वेरिएंट है, वो स्टार्ट है ये देखिए।
एयरबैग वगैरह इसमें डबल है, सिक्स एयरबैग है इसमें, मतलब सबसे टॉप वाला है। तो इसका प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस है 6,50,000 रुपये। 6,50,000 रुपये। मॉडल ये 2014 मॉडल है। चली कितनी है? 80,000। तो दोस्तों 80,000 चली है गाड़ी। आप देखिए गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है, बाकी नेगोशिएबल है, आप बात कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी खड़ी हुई है, फिएस्टा फोर्ड फिएस्टा मॉडल है, 2008 मॉडल है। गाड़ी कंडीशन बढ़िया है, डीजल है ये, और कम प्राइस में जिसको लेना हो डीजल तो उसके लिए बेहतर रहेगी ये गाड़ी। आइए इसको आगे से भी देखते हैं। तो गाड़ी साइड से भी देखिए आप, ठीक ठाक कंडीशन में है। और ये कौन सा मॉडल है? 2008 मॉडल है। 8 है ये। चली कितनी? चली करीब 80,000 की। 80,000 चली है। क्या प्राइस है इसका? 1,50,000 रुपीज़। तो दोस्तों इसका प्राइस है 1,50,000 रुपये। गाड़ी बढ़िया है, साफ है। और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं XUV महिंद्रा। गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। पहले तो आप दोनों साइडें देखिए इसकी, फिर उसके बाद मैं इसको अंदर से आपको दिखाता हूँ अभी। और सामने से जो गाड़ी का लुक है बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देखिए कि सामने से बेहतरीन लुक है गाड़ी का। पीछे से भी एक बार दिखाता हूँ मैं इसको, आप पीछे से भी गाड़ी देख लें। और फिर इसको देखते हैं अंदर से, ये अंदर से इंटीरियर इसका कैसा है। दोस्तों अंदर से भी आप देखिए इसका इंटीरियर कितना बेहतरीन और बिल्कुल न्यू है। और अभी भाई से पूछते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, कितना चली है, प्राइस क्या है इसका, सारी चीज़ें पूछते हैं अभी। तो भाई ये गाड़ी जो आपने दिखाई है, ये मॉडल कौन सा है? 2014 मॉडल है गाड़ी। चली कितनी है लगभग? ये चली है 85 चली है। 85,000 किलोमीटर ये चली है। और इसका प्राइस भी बता दीजिए, ओनर भी बता दीजिए। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर 6,90,000 रुपये इसकी डिमांड है। अच्छा 6,90,000 रुपये डिमांड है, बाकी निगोशिएट हो जाएगा जब भी आपके पास यहाँ पर आएगा आदमी, तो यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स प्राइस नहीं है, निगोशिएबल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं ये गाड़ी एक खड़ी हुई पोलो 2010 मॉडल की गाड़ी है ये, डीजल में। और ये डीजल में है, ये 2,25,000। ये टायर की कंडीशन आप देखिए, और गाड़ी साफ है बिल्कुल। कितने की है? 2,25,000। और ये चली कितनी है? चली है करीब 75,000 चली है ये। और इसका प्राइस जो बता रहे हैं भाई आप, कितना बता रहे हैं? 2,25,000 रुपये की ये गाड़ी पड़ जाएगी। ओनर इसका क्या है? फर्स्ट ओनर है। तो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी साफ़ है, अच्छी है। इसका भी एवरेज लगभग वही 17-18 का होगा। 18-20 का माइलेज, 18-20 का माइलेज इसका भी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ आप सबको खुश करने की, नए नए तरीके के वीडियो लाने की। तो दोस्तों आगे ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, और आप सबके प्यार की वजह से एक नई चीज़ आज मैंने परचेज़ की है, यानी कि मैंने एक नया कैमरा परचेज़ किया है। ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है, तभी मैं ये सब कर पाया हूँ। ये सब आपकी वजह से है, इसलिए आप सबको मैं पहले तो थैंक्स बोलूँगा और शुक्रिया कहूँगा सारे लोगों से, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे चैनल को हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सभी को, सारे लोगों को शुक्रिया, आप भाइयों को, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से है। जो भी है, जो भी मिला है मुझे आपकी वजह से, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आप दिखा दें कि हाँ मैंने कौन सा कैमरा परचेज़ किया है आप सबके लिए, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब देखते हुए मैंने पूरा एक सेटअप खरीदा है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। तो ये कि ये मैंने बैग एक लिया है जो काफ़ी अच्छा है। पहले मेरे पास थोड़ा सा पुराना बैग था जो कुछ इस तरीके का था, लेकिन अभी जो ये बैग भी मैंने नया परचेज़ किया है, और उसके बाद इसमें जो कैमरा है वो भी मैंने नया परचेज़ किया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है कैमरा कैनन 200D।
तो दोस्तों ये आप सभी के लिए ख़ास करके मैंने इसको परचेज़ किया है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो शूट कर सकूं इस कैमरे से आप सबके लिए। ये कैमरा 200D है और ये लेटेस्ट वाला है 4K, इससे रिकॉर्डिंग जो है वो 4K होगी। उसके अलावा ये रूड का माइक है जो कि मैंने ये खासकर ये लिया है, लगभग वही 6,300 रुपए का लगभग ये माइक है। तो ये माइक भी मैंने परचेज़ किया है, इसी कैमरे पर लगा करके शूट करेंगे और अब जो वीडियो आएंगी नई ज़्यादातर इसी कैमरे से आएंगी आप सबके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स आप सबका, ये सब आप ही की वजह से है। तो कैसा लगा मेरा कैमरा और मेरा सेटअप जो भी पूरा मैंने लिया है, माइक लिया है, उसके अलावा कैमरा और सारी चीज़ें, कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा आप सब। और वाकई दिल से थैंक्स, शुक्रिया आप सभी को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मेरी दुआ यही है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।